मलिक भाई, यूपी वाले कामरान, पंछी किंग हमारे बीच, और ये स्टार यूपी वाला पंडित संस्कार अर्शद भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं थोड़ी देर। अच्छा, ओके, तो इस प्रकार मैच प्रारंभ होने जा रहा है और ये मैच स्टार्ट होता हुआ राज की ओर से पहला ओवर करेंगे हिमांशु चौधरी, रितिका सामना करेंगे वर्सेस और नॉन स्टाइक पर राहुल। मैच स्टार्ट होता हुआ सेमीफाइनल मैच मलान ग्राउंड, पहली गेंद अच्छी गेंद और एक रन के साथ पहला रन आता हुआ काटा खोला की ब्रिंग पे मोंटो प्रचंडा, बैटिंग करते हुए लिली और पुप्पे भाई। दूसरी बॉल मैच की 15 ओवर का ये सेमीफाइनल, बहुत तगड़ा मैच, अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पे लिली पावर प्ले के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, और यहाँ हमारे बगल में खड़े हैं स्लिप में जो लगे हैं पीयूष भाई रुड़की वाले, बहुत ही तगड़े बैट्समैन। बैटिंग टीम में जो बैट्समैन हैं राहुल पोप्पा, लिली, सचिन मलिक, शैलेश पंडित, पंछी, अर्शद भाई, विनय असवाल, आलोक, बहुत अच्छी शॉट रिवर्स में देखना होगा और दो रन मिले अभी तक और तीसरे रन के लिए भागते हुए और तीन रन चुरा लिए यहाँ पर कामरान रुड़की। कामरान पनियाला भी है बैटिंग टीम में और बॉलिंग टीम में प्रचंडा, पीयूष भाई, आशु बड़ौत, तांबा रुड़की, बहुत अच्छी स्नीक लगा था, देखना होगा क्या होगा। और ये चार रन मिसफील्ड के चार रन हुए यहाँ कीपर से। अगली बॉल लेके हिमांशु, बिना जली हुई बॉल है और अच्छा सिंगल चुरा लिया यहाँ पे दोनों ही बैट्समैन ने। अगली बॉल और खेलने का प्रयास था क्योंकि आउट साइड में गेंद जाती हुई, देखना होगा क्या होगा इस बॉल पे। और ये चार रन, बहुत अच्छा चौका ऑफ साइड का पप्पाई के बैट से निकलता हुआ। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 14 रन, एक ओवर 14 रन सामना करेंगे लीली। और दूसरा ओवर ले गए हैं तांबा, पहले ओवर ये बहुत तगड़े लेफ्टी बॉलर है। दूसरे ओवर की पहली बॉल तांबा बॉलिंग पे, बहुत तगड़ी बॉल घुमाई थी बट वाइट बॉल, और कीपरिंग करते हुए यहाँ पे बहुत बड़े बल्लेबाज आशु बड़ौत, बहुत दूर से आए हैं सेमीफाइनल मैच खेलने। सामना करेंगे लिली और बहुत अच्छा सिंगल चुरा लिया यहाँ पे लिली ने, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। और ये अच्छी बैटल होगी अब तांबा वर्सेस पुप्पे भाई, बहुत अच्छा शॉट, देखना होगा। और ये केवल एक रन मिलेगा, छक्का रुक गया वहाँ पे, अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर सामना करेंगे लिली और फिर घुमाने का प्रयास, नो बॉल का सामना यहाँ पर एक बार रोहित द्वारा। और ये फ्रीड बॉल है, नो बॉल थी पैर की, देखते हैं क्या करते हैं इस बॉल पे लिली। बहुत अच्छा शॉट ऑफ साइड में, देखना होगा चार रन ऑफ साइड का, बहुत अच्छा चौका लिल्ली के बैट से निकलते हुए, अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पे। बहुत तगड़ी बॉल, समझ नहीं पाया उसे लिली। अगली बॉल तांबे की, बहुत अच्छी बॉल डॉट बॉल। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट कवर्स में, देखना होगा क्या होता है, केवल दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
और अब बॉलिंग करने आए हैं खीजर। बहुत तगड़े बॉलर है राइटी, लेफ्टी को बहुत अच्छी बॉल करते हैं। तीसरा ओवर, बहुत अच्छा शॉट फ्लिक का, देखना होगा क्या होता है इस बॉल पे। अगली बॉल खीजर की बैटिंग पे, वो बहुत अच्छा स्लोअर, समझ नहीं पाए उसे। कुछ इस तरीके से ग्राउंड का नज़ारा, बहुत सारे स्टार इस मैच में खेलते हुए। अगली गेंद खीजर की, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग ऑन के बीच में, ज्यादा हुआ चार रन मिले, अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ। अगली बॉल और एक बार फिर उठाने का प्रयास, एक रन पूरा करा और ये दो रन पूरे कर दिए, दो रन चुरा लिए यहाँ पे। तीसरे रन की कोशिश लेके फील्डर के हाथ में बॉल, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगली बॉल फिर से खीजर की, बहुत तगड़ी बॉल, बहुत तगड़ा स्लोअर था, डॉट बॉल। और ये वाइड का इशारा, पैर, बहुत अच्छा मैच चलता हुआ आर्यन 11 वर्सेस। और ये हवा में गेंद, कोई फील्डर बॉल के नीचे नहीं, और प्रचंडा जाते हुए, और ये बहुत बड़ा झटका, रन आउट के रूप में बहुत बड़ा विकेट, आउट हो गए यहाँ पे। और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे पप्पा के रूप में, रन आउट का, अपनी गलती से आउट हो गए, तीसरा रन लेना चाहते थे। और अब बैटिंग करने आए हैं अरशद भाई, बहुत बड़ा नाम लाल बॉल का, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। आर्यन 11 वर्सेस रितिका एसोसिएशन के बीच ये सेमीफाइनल चलता हुआ पहला, बहुत तगड़ा मैच, बहुत बड़े बड़े नाम अभी, सचिन मलिक, पंडित यूपी, कामरान पनियाला, विनय असवाल, आलोक संस्कार, बहुत बड़े बड़े प्लेयरों का आना बाकी, शैलेश जोशी। और चौथा ओवर स्टार्ट होता हुआ, बैटिंग पे लिल्ली, बॉलिंग करने आए हैं शिब्बू, बहुत अच्छे लेफ्टी बॉलर है। टच हो गई थी बॉल बैट से, अच्छी कीपिंग यहाँ पे टिंकू की। अगली बॉल और ये पैर पे लग के गई, लेग बाई के कोई रन नहीं है इसलिए डॉट बॉल। अगली बॉल शिबू की, तगड़ी बॉलिंग करते हो अभी तक, बहुत अच्छा यॉर्कर, अच्छा रन चुरा लिया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक रन और अब बैटिंग करने आए हैं अरशद भाई, बहुत क्लास प्लेयर, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बॉल ब्लॉक हॉल में करते हो अभी तक शिब्बू। मारना चाहते थे बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, तगड़ी बॉलिंग करते हुए शिब्बू अभी तक। अगली बॉल और ये हवा में गेंद, कोई भी बॉल फील्डर बॉल के नीचे नहीं है, देखना होगा। चार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत अच्छा चौका, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अरशद भाई, ओवर की समाप्ति इसी के साथ और पावर प्ले खत्म होता हुआ। खिलाड़ी और सर्कल से बाहर, चार ओवर 40 रन एक विकेट। और अब बॉलिंग करना है टिंकू, 40 और यहाँ पे पीयूष भाई स्लीप में लगे हुए, हिमांशु भाई कीपिंग करते हुए, बॉलर है टिंकू रुआना, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, काफी तगड़े ऑलराउंडर है। अपना पहला ओवर और टीम का पांच ओवर लेके, टिंकू वर्सेस लिली, बहुत अच्छा स्लोअर, पिक नहीं कर पाया उसे लिली।
अगली बॉल टिंकू की, और मारना चाहते थे ऑफ साइड में, और दो रन चुराना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा रन चुरा लिया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगली बॉल, बहुत तगड़ी बॉल, बहुत तगड़ा कटर, समझ नहीं पाए से लिली। अगली बॉल, अगेन गुड लेंथ का बहुत अच्छा बॉल, समझ नहीं पाए लिली, तेज बॉल करते हुए अब धीरे धीरे। अगली बॉल, ये बढ़िया सिंगल चुराया है यहाँ पे, सामना करेंगे अर्शद भाई। बहुत अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, देखना होगा क्या होता है इस गेंद पे। चार रन अर्शद भाई के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए। पांच ओवर 47 रन, एक विकेट, अच्छी स्थिति में अभी आरएन 11। अभी मलिक, पंडित, कामरान, संस्कार, विनय, शैलेश खाना, बाकी बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है आरएन 11 का, और दूसरी टीम भी बहुत तगड़ी, रुड़की, हरिद्वार और बड़ौत, मुजफ्फरनगर के प्लेयर मिक्स दूसरी टीम में। अगला ओवर लेके शिबू, बहुत तेज बॉल, समझ नहीं पाए उसे लिली, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, डायरेक्ट बॉल थी। अगली बॉल, बहुत तगड़ी, आगे से घुमा दी पूरी बॉल, समझ नहीं पाए उसे अर्शद भाई, कीपर भी। अगली बॉल, डायरेक्ट बॉल थी, मारना चाहते थे उसे आशु बड़ौत, बॉल के नीचे केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अर्शद भाई को। अगली बॉल, और लेग साइड में मारा आशु बड़ौत बॉल के नीचे जाते हुए, देखना होगा क्या होता है, केवल दो रन मिलेंगे। अगली बॉल, बहुत अच्छा डिप कराया था बॉल को, समझ नहीं पाया उसे लिली, तगड़ी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे शिबू। अगली बॉल, बहुत तगड़ी बॉल, फिर से उसे समझ नहीं पाया लिली, बहुत अच्छा ओवर कर दिया यहाँ पे लिली ने। और अब बॉलिंग करने आए जय सिंह, हरिद्वार का बहुत बड़ा नाम, लेफ्टी ऑलराउंडर, बहुत अच्छी शॉट मारी थी लेग साइड में, देखना होगा क्या होता है इस गेंद पे। चार रन, तगड़ी बैटिंग करते हुए यहाँ पे अर्शद भाई, तीसरा चौका निकलता हुआ अर्शद भाई के बल्ले से। अगली बॉल, जय सिंह लेके, और ये बहुत अच्छा शॉट पीछे मार दिया, देखना होगा, और काफी शानदार शॉट मारा सीधा, एक और चौका अर्शद भाई के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए, अपने लिए। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के एरिया में, देखना होगा दूसरे रन की कोशिश, और बहुत अच्छा रन चुरा लिया यहाँ पे, बहुत तगड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट अर्शद भाई और लिली। अगली बॉल, और ये हवा में गेंद तांबा बॉल के नीचे, और इजी कैच पकड़ लिया तांबे ने, बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे अर्शद भाई के रूप में। और अब बैटिंग करने आए यूपी का बहुत बड़ा नाम सचिन मलिक, लाल बॉल के बादशाह कहे जाते हैं ये। अगली बॉल जयसिंह की, फेस करेंगे लिली, बहुत अच्छा शॉट बट कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छे से, एक रन मिलेगा केवल। गाइस अगर आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई भी फेवरेट प्लेयर इस मैच में खेल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अपने फेवरेट प्लेयर को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड। बहुत अच्छा सिंगल चुरा लिया पहली बॉल पे सचिन मलिक ने, अपनी क्लास शो करते हुए पहली गेंद से, इन्हें पता है गेम कैसे चलानी है। सात ओवर की समाप्ति पर आरएन 11 का स्कोर
63 रन, 7 ओवर 63 रन, 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर सचिन मलिक बैटिंग पे। और अब बैटिंग पे आए सचिन मलिक, बॉलिंग पे टिंकू मुजफ्फरनगर। 8वां ओवर, बहुत अच्छा सिंगल चुरा लिया यहाँ पे, गेम को बनाएंगे और धीरे धीरे बीच बीच में चेजी खराब बॉल मिलेगी, लंबे लंबे हिट दिखाएंगे सचिन मलिक। और यहाँ से लिली को बड़े हिट मारने होंगे, एक अच्छे स्कोर को पार करने के लिए। बोल्ड कर दिया, बहुत तेज गेंद, कट एंड बोल्ड हो गए यहाँ पर लिली, तीसरा झटका लगता हुआ। और अब बैटिंग करने आए संस्कार ध्यानी, बहुत तगड़े लेफ्टी, संस्कार अपना पहला देहरादून के बहुत तगड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। टिंकू का सामना करेंगे संस्कार, उनके हाथ के बल्लेबाज काफा। अगली बॉल बहुत तेज, बट वाइड बॉल, बहुत तगड़ा वाइड यॉर्कर मारा था बट वाइड हो गई। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट, पहली बॉल पे छक्का मार दिया यहाँ पे संस्कार ने, बहुत तगड़े बल्लेबाज। मैंने आपको बताया था देहरादून के एक ऐसा नाम जो शायद बाहर खेलने नहीं जाता है, बट बहुत बहुत तगड़ा बैट्समैन। अगली बॉल टिंकू वर्सेस संस्कार, बहुत अच्छा शॉट, कट किया था ऑफ साइड में, अच्छी फील्डिंग वहां पे अंकित की। और अब बैटिंग करने आए फिर से सचिन मलिक, यूपी वाला मलिक, चुटमलपुर वाला मलिक, बहुत बड़ा नाम। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट, 2 रन के लिए खेला है शॉट, देखना होगा और इजीली रन चुरा लेंगे। तगड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट सचिन मलिक ने, बल्ले पे लगते सार बोल दिया था 2 रन होंगे। अगली बॉल फिर से 2 रन लेने की कोशिश, और इस बार हो सकते हैं 2 रन, आशु बड़ौत बॉल के नीचे, और फिर से बहुत अच्छा 2 रन चुरा लिए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। बाउंड्री काफी बड़ी है, 65 मीटर की बाउंड्री चारों दिशाओं में। और 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर, 8 ओवर की समाप्ति पर छिहत्तर रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 8 ओवर 76 रन 3 विकेट, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे आर्यन 11 की टीम। और 9वां ओवर लेके खीजर, और अपना कोटे का दूसरा ओवर लेके बैटिंग सर, वाइड बॉल। अगली बॉल, बहुत अच्छा सिंगल चुरा लिया यहाँ पे संस्कार ने, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे दोनों ही कलाएं इनके अंदर, छक्का मारने की और सिंगल लेने की। और अब बैटिंग पे आए मलिक, जिनके लिए बहुत सोच समझ के फील्डिंग लगानी पड़ती है, चारों दिशाओं में रन बनाते हैं ये, और अच्छे से जानते हैं खीजर को क्या बॉल डालते हैं। और बहुत खीजर की अगली गेंद सामना करेंगे मलिक, और मार दिया लेग साइड में, देखना होगा 4, बहुत अच्छा शॉट लेग साइड में, छोटी बॉल को बहुत जल्दी पिक कर लिया, पहला चौका निकलता हुआ मलिक के बल्ले से। अगली बॉल खीजर की बैटिंग पे सचिन मलिक, और ये केवल 1 रन मिलेगा इस बॉल पे, जयसिंह बॉल के नीचे। अगली बॉल खीजर वर्सेस संस्कार, बहुत तगड़ी बॉल, समझ नहीं पाया उसे बिल्कुल भी संस्कार, समझ नहीं पाए गेंद को। अगली बॉल, और एक बार फिर पहला रन तेजी से भागते हुए बुरा बॉल के नीचे, और 2 रन मिलेंगे यहाँ पे आसानी से, एक को 2 बना दे रहे हैं तुरंत। और ये रन शॉर्ट था संस्कार का, तो सचिन मलिक समझाते हुए कि रन पूरा करें पहले। अगली बॉल, बहुत अच्छी
फील्डिंग यहाँ पे अंकित की स्लिप में। और स्कोर जा पहुंचा है 9 ओवर 84 रन और 3 विकेट। यहाँ से अब तेजी से रन बनाने होंगे, कम से कम 150 रनों का लक्ष्य रखना होगा आर एन 11 को। कृतिका एसोसिएशन के सामने एक ओवर में जो दो विकेट देता है उसे 500 रुपए का नगद पुरस्कार विक्रम पवार द्वारा दिया जाएगा। और अब बॉलिंग करने आए यहाँ के लोकल बॉय बुरा असलम उर्फ बुरा, सामना करेंगे सचिन मलिक। 10वां ओवर इस मैच का, इसके बाद 5 ओवर और बचेंगे। बैटिंग पे सचिन मलिक, मारना चाहते थे बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ और हुटिंग स्टार्ट होती भी धीरे धीरे, क्योंकि बुरा बॉल डाल रहा है तो हुटिंग बनती है लोकल बॉयज की। पहली बॉल काफ़ी अच्छी बॉल थी, पिक नहीं कर पाया उसे सचिन मलिक, देखते हैं कितनी देर तक उनका बल्ला शांत रख पाएंगे। दूसरी बॉल बुरे की, बैटिंग पे सचिन मलिक, माना चाहते थे लेग साइड में बट अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, केवल एक ही रन मिलेंगे। और सचिन मलिक ने बल्ला चेंज किया है हार्ड हिटिंग के लिए, जेपी स्पोर्ट्स के बल्ले यूज कर रहे हैं, काफी अच्छे बल्ले हैं जेपी स्पोर्ट्स के। बुरा फील्डिंग सेट करते हुए संस्कार के लिए, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन विकेट पे मौजूद। गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको किसकी बैटिंग अच्छी लगी, किसकी बॉलिंग अच्छी लगी। अगली बॉल बुरे की, माना चाहते थे उसे लेग साइड में, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बुरे की, एक ही रन मिलेगा केवल। और इसके बाद 3 विस्फोटक बल्लेबाजों का आना बाकी, पंडित यूपी, कामरान यू पनियाला और शैलेश जोशी, साथ में विनय सवाल, देखते हैं कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है यहाँ पे। अगले 5 ओवर में कम से कम 60-70 रन बनाने होंगे एक बड़े लक्ष्य के तक पहुँचने के लिए आर एन 11 को। और मलिक हवा में गेंद, बैटर बॉल और ये अभी भी दौड़ चलती हुई विकेटों के बीच में, और बहुत अच्छी रनिंग यहाँ पे, 4 रन चुरा लिए यहाँ पे। फंबल हुआ था वहाँ फील्डर से। अगली बॉल बुरा वर्सेस सचिन मलिक, माना जाते थे लेग साइड में बट वाइड बॉल। थकान महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, काफी सिंगल डबल भाग चुके हैं सचिन मलिक, रेस्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट देखना होगा, और ये बहुत अच्छी फील्डिंग बट 6 रन मिल गए यहाँ पे। बहुत अच्छा छक्का सचिन मलिक के बल्ले से निकलता हुआ, पहला गगनचुंबी छक्का, अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई थी फिर भी फ्लिक में छक्का मार दिया लेग साइड का, 65 मीटर बाउंड्री क्रॉस कर ली। अगली बॉल बुरे की, बैटिंग पे सचिन मलिक, और ये हवा में गेंद, टिंकू बॉल के नीचे जाते हुए देखना होगा, बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे सचिन मलिक के रूप में, बहुत बड़ा विकेट। और अब बैटिंग करने आते हुए यूपी वाला पंडित, जो बहुत लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं इस टीम में, पंडित यूपी और दूसरी टीम में आशु बड़ौत, दोनों ही बहुत लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। और एक बार फिर मैच में रोमांच ज्यादा हुआ और आर एन 11 का स्कोर जा पहुंचा 10 ओवर 97 रन 4 विकेट। सचिन मलिक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी करके पवेलियन लौटते हुए। और अब बैटिंग पे आ गए हैं यूपी वाला पंडित, और बॉलिंग एंड पे रितिका प्रॉपर्टीज के सबसे तगड़े बॉलर तांबा, सचिन तांबा रुड़की वाला तांबा, देखना है क्या होता है इस बैटल में, पंडित वर्सेस तांबा। अपने ओवर बचा के रखे थे तांबा ने डेथ बॉलिंग के लिए। बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, शॉट में
फील्डर लिया है भूरे को, बहुत सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे तांबे। तांबा का सामना करेंगे पंडा। अगली बॉल बहुत तगड़ी बॉल, माना जाते थे पंडित यूपी लेग साइड में, बट बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अगली बॉल हम माना जाते थे लेग साइड में और ये मिसफील्ड हुई शिब्बू से, देखना होगा कितने रन ले पाते हैं। और ये चार रन, अच्छी गेंदबाजी करते हुए तांबा। अगली बॉल रोक कर खेलना चाहते हैं ये ओवर तांबे का पंडित और शुभम शर्मा। तांबा द्वारा अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट, देखना होगा और रुक गया ये छक्का, पेड़ों पर रुक गया लास्ट टाइम पे, बहुत अच्छा पिक किया था पंडित ने। चार रन बचाए, जिस बॉल पे छह रन हो सकते वहां पे केवल दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा पंडित यूपी को। बॉल का टर्न समझ रहे थे। लास्ट बॉल इस ओवर की और एक बार फिर उठा के मार दिया थे। अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग बाउंड्री पे, केवल एक रन मिलेगा यहाँ पे। ग्यारह ओवर स्कोर जा पहुंचा 11 और 104 रन, यहाँ से चार ओवर में कम से कम 40 से 50 रन लगाने होंगे बोर्ड पे आरएन 11 को। और ये भूरा और अब बॉलिंग करने आए शिब्बू अपना तीसरा ओवर लेके, आमना सामना शिब्बू वर्सेस पंडित। माना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अभी तक पंडित के हाथ नहीं खुल पाए इस मैच में। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट और छह रन पंडित के बल्ले से निकलता हुआ पहला बहुत लंबा छक्का, हाथ खुलते हुए यहाँ पे पंडित के, बहुत लंबे छक्के मारने के लिए जाने आते हैं। गाइस अगर आप पंडित की बैटिंग को पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लिंक लगाइए और लाइक करें कमेंट करें अच्छे अच्छे प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करें। अगली बॉल शिब्बू की फिर से बैटिंग पे पंडित, बहुत अच्छा शॉट यार पंडित भाई, कवर्स का बहुत लंबा छक्का, तगड़ी बैटिंग भाई पंडित, जैसा नाम वैसा काम, यूपी वाला पंडित। बहुत बड़ी बाउंड्री है कवर्स की और उसे आसानी से क्लियर कर दिया, बहुत जान है इनके गट्टों में। अगली बॉल हेलीकॉप्टर माना चाहते थे, ब्लॉक ऑल में थी बॉल, केवल एक रन मिलेगा पर चंडा मोंटो बॉल के नीचे। और अब बैटिंग पे आए संस्कार जो अभी तक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत तेज यॉर्कर और इसी के साथ लेग एम्पायर ने नो बॉल दी है, देखना होगा। स्ट्रेट फील्डर था इसलिए नो बॉल हो गई और इसी के साथ फ्री हिट मिलती हुई पंडित यूपी को, बहुत बड़ा मौका हाथ खोलने का फिर से फ्री हिट, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे, देखना होगा इस फ्री हिट पे क्या कर पाते हैं पंडित। बहुत अच्छा शॉट भाई, बहुत तगड़ा स्ट्रेट का छक्का, बहुत जान है भाई के बल्ले गट्टे में बल्ले में, बहुत लंबा छक्का स्ट्रेट का, इतना आसान नहीं होता इस ग्राउंड में छक्का मारना बट ये बहुत इजीली छक्के मार देते हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी इतना फेमस है, इतना नामी खिलाड़ी है पंडित यूपी। और शिब्बू जिन्होंने अभी तक दो ओवर बहुत अच्छे कर रहे थे, तीसरा ओवर काफी महंगा, बहुत लंबा छक्का भाई, बहुत दूर ब्लैक साइड में, बहुत लंबा चार छक्के लगा चुके हैं पंडित इस ओवर में, तगड़ी बल्लेबाजी यूपी वाला पंडित। गाइस प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और पंडित यूपी की बैटिंग
सचिन मलिक की बैटिंग, राहुल पोप्पा की बैटिंग, संस्कार की बैटिंग, अर्शद भाई की बैटिंग, लिली की बैटिंग, दुनिया को देखने का मौका मिले। और बहुत अच्छी स्थिति में आ चुकी आर्यन 11, 12 ओवर 131 रन। पंडित यूपी ने पूरे मैच का रुखी पलट दिया, चार छक्के लगाकर 27 रन खर्च किए लास्ट ओवर में शिब्बू ने, बहुत महंगा ओवर। और अगला ओवर लेके 13 ओवर लेके और अपना अंतिम ओवर लेके कीजर मारना चाहते थे बट बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। संस्कार को खिलाना चाहिए ओवर पंडित को। अगली बॉल कीजर की, बहुत अच्छा शॉट देखना होगा, बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया यहाँ पे लेग साइड में टिंकू मुजफ्फरनगर ने, एक हाथ से बाउंड्री पर थे बिल्कुल और बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया। और अब बैटिंग करने आ रहे हैं कामरान पनियाला, बहुत बड़ा नाम, एक और बहुत तगड़ा ऑलराउंडर उत्तराखंड का, यूपी यूके के बॉर्डर पे पनियाला, वहां से बिलोंग करते हैं कामरान, बहुत बड़ा नाम। बैटिंग करने आते हुए साथ देंगे पंडित यूपी। और अब खीजर वर्सेस पंडित यूपी, देखते हैं क्या होता है इस बैटल में। और ये डायरेक्ट बॉल थी, स्नीक लगा था, डॉट बॉल। अगली बॉल खीजर की, बैटिंग पे पंडित, बहुत तगड़ा शॉट, हेलीकॉप्टर भाई, तगड़ी शॉट, बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए यहाँ पे पंडित, सीधा मेरी गाड़ी पे जाके लगी, बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर भाई, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी पंडित की, बहुत सूट करता है इन्हें ग्राउंड। मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में भी बढ़ते हुए यहाँ पे बैट्समैन की दौड़ में बढ़ते हुए यहाँ पे पंडित यूपी। अगली बॉल खीजर की, अगली बॉल खीजर की, बैटिंग पे पंडित, और बहुत तेज बॉल, डॉट बॉल। अगली बॉल और ये नो बॉल, बट कोई रन नहीं इस बॉल पे, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे तांबे की, और फिर से फ्री हिट मिलती भी यहाँ पे पंडित को, देखते हैं क्या होता है इस फ्री हिट में पंडित वर्सेस खीजर। और यह हवा में गेंद, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रचंडा बॉल के नीचे आते हुए कैच पकड़ लिया, बट दो रन नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे। तेरह ओवर 140 रन। और अब बैटिंग पे हैं कामरान पनियाला, देखते हैं क्या कर पाते हैं बैटिंग पर। और बॉल करेंगे तांबा, जो तगड़ी बॉलिंग करते हुए अभी तक अपने कोटे का लास्ट ओवर और 14 ओवर लेके अपनी टीम का। और ये हवा में गेंद, देखना होगा क्या होता है इस गेंद पे, जयसिंह बॉल के नीचे, और बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया, बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया जयसिंह ने, पहली बॉल पर आउट होकर, हिट मारने थे केवल यहाँ से, तो बहुत तगड़ा कैच, कैच ऑफ द मैच कह ही सकते हैं इसे जयसिंह का। पहली गेंद से प्रहार करना चाहते थे कामरान, समय नहीं था सेट होने का, आउट हो गए जाते हुए। और अब बैटिंग करने आते हुए शैलेश उर्फ मौत, बहुत तगड़े बैट्समैन है, बहुत तगड़ी हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, समय नहीं है इतना, 11 बॉल से देखते हैं कितने रन बना पाती है यहाँ से। और हमारे साथी कमेंटेटर आर्यन 11, अगली बॉल तांबे की, बहुत अच्छा शॉट माना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन और एक अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया उसे पंडित, और एक रन आसानी के साथ पूरा भी, और अब बैटिंग करना है शैलेश जोशी उर्फ मौत, टूर्नामेंट के बहुत अच्छे बल्लेबाज, काफी लेट बैटिंग करने आते हुए, अभी तक इससे पहले भी दोनों के बीच बहुत अच्छी पार्टनरशिप, क्वार्टर फाइनल तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है इन्होंने। और ये डॉट बॉल, अगली बॉल लेकर तांबा, और ये हवा में गेंद, देखना होगा क्या होता है। और दूसरी बॉल पे निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का शैलेश जोशी मौत के बल्ले से, जैसा नाम वैसा काम, बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं और वैसी बैटिंग करते हुए अगर यहाँ से दो छक्के और मारते हैं तो बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंचा देंगे अपनी टीम को।
अगली बॉल तांबे की, फिर से मारना चाहते थे बट कोई संपर्क नहीं बैटर बॉल का। अगली बॉल, लास्ट बॉल, फिर से बहुत अच्छी बॉल बट वाइड बॉल, वाइड करार दी से एम्पायर ने। लास्ट बॉल 14 ओवर की, बहुत अच्छा शॉट और एक और छक्का, एक और छक्का निकलता हुआ शैलेश मौत के बॉल से खींच के मारा था लेग साइड में। बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं यहाँ पे शैलेश जोशी पंडित यूपी। चौदह ओवर 154 रन, बहुत अच्छे स्कोर तक। अगर यहाँ से दो छक्के भी मारती है तो 170 के आसपास पहुंच जाएगा आर एन इलेवन का स्कोर। और रोकना होगा यहाँ पे रितिका प्रॉपर्टीज को, अगर बड़े लक्ष्य तक जाने से रोकना है अपनी टीम को। और लास्ट ओवर देखते हैं क्या होता है इस ओवर में, टिंकू मुजफ्फरनगर वर्सेस पंडित। और ये डायरेक्ट बॉल थी, देखना होगा। चार रन, नो बॉल की मांग कर रहे थे यहाँ पे पंडित बट एम्पायर ने, लेग एम्पायर ने मना करा। पहली गेंद पे चौका आता पिंटू वर्सेस पंडित। बहुत तगड़ा शॉट भाई, बहुत तेज शॉट यार, थप्पड़ सा मारा था इस गेंद पे पंडित यूपी ने। आग उगलता हुआ पंडित यूपी का बल्ला, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी भाई। तालियां बजती हुई, शायद इनकी 50 भी हो गई है। छह छक्के लगा चुके हैं अभी तक, एक चौका। तगड़ा बैट्समैन यूपी वाला पंडित रेस्ट करते हुए। बॉल खोजी गई है, ढूंढने गए हैं क्योंकि रमा बॉल है, नई बॉल नहीं दी जाती है। 20 बॉलों पर 52 रन बना चुके अभी तक पंडित, छह चौकों और एक चौक, छह छक्कों और एक चौके की मदद से। चार बॉल पे देखते हैं कितने रन बना पाते हैं। और फिर से हवा में गेंद, देखना होगा ऑफ साइड में जाती हुई बॉल। और बुरे से हुई मिस फील्डिंग और इसी के साथ मिस फील्ड का चौका। और बौखलाती भी यहां पे रितिका प्रॉपर्टीज की टीम। अगली बॉल पंडित की, और ये हवा में गेंद, देखना होगा। बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया यहां पे तांबा ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके पवेलियन लौटते हुए यहां पे पंडित। 22 बॉल पर 56 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए यहाँ पे यूपी वाला पंडित। और अब बैटिंग करना है विनय सवाल, टिंकू और अब बैटिंग पे शैलेश। और ये फिर से हवा में गेंद, तांबा बॉल के नीचे, फील्डर नहीं पहुंच पाए। देखना होगा कितने रन मिलते हैं, केवल 2 रन मिलेंगे। लास्ट बॉल पहली इनिंग की, टिंकू वर्सेस शैलेश, देखते हैं बड़ा हिट मार पाते हैं शैलेश या नहीं। और ये डॉट करीब, लंबी बॉल थी उसे पिक नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद आरएन 11 का स्कोर 170 रन बना दिए यहाँ पे 15 ओवर पे आरएन 11 ने। 171 रनों का टारगेट रितिका प्रॉपर्टीज के लिए। और मैं अब आपको पास ले जाकर बैट्समैनों से, सारे प्लेयरों से रूबरू कराता हूं दोनों ही टीमों के। हमारे स्टार प्लेयर रितिका प्रॉपर्टीज के ग्राउंड में मौजूद मोंटो भाई, सारे प्लेयर एक साथ मिलते हुए और पंडित को इनाम देते हुए यहां पे 501 रुपए पंडित को। और दूसरी टीम बहुत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देख सकते हैं यहां पे पंडित द्वारा आपस में बातचीत करते हुए। धन्यवाद, ये पंडित यूपी को इनाम में 500 रुपए देते हुए और काफी खुश अपनी बैटिंग से और अपनी परफॉर्मेंस से और अपने इनाम से। और ये देखिए किंग और जिन साथ में और ये राहुल भाई जो आरएन 11 के कैप्टन है, अपनी टीम को समझाते हुए धीरे धीरे शैलेश जोशी अच्छी बैटिंग करके चलते हुए। इसके बाद जो सेमीफाइनल होना है राइजिंग स्टार का, उसके सारे प्लेयर मौजूद ग्राउंड में धीरे धीरे आते हुए। और ये मैच स्टार्ट होता हुआ, सेकंड इनिंग स्टार्ट होती हुई 171 रनों का टारगेट कीपिंग करते हुए सचिन मलिक, साथ में स्लिप में पंछी किंग। पहला ओवर लेके अर्शद भाई, बैटिंग पे अंकित
मुजफ्फरनगर और पीयूष भाई रुड़की वाले बहुत ज़्यादा रोमांच की उम्मीद इस मैच में। पहली बॉल लेकर अरशद भाई बहुत अच्छी बॉल, डॉट बॉल समझ नहीं पाया उसे अंकित, बिना जली हुई बॉल सेकंड इनिंग में मिलती भी। दूसरा ओवर दूसरा बॉल और बहुत अच्छी शॉट, चार रन दूसरी बॉल पे मिलते हुए, अच्छा शॉट अंकित के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर। तीसरी बॉल अरशद भाई और दो रन चुराते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी स्टार्ट मिलती हुई तीन गेंदों पर छह रनों की अंकित को। और दो फील्डर बाहर हैं, एक मिड विकेट पे पंडित और लॉन्ग ऑफ पे कामरान। बहुत अच्छी वापसी करते हुए अरशद भाई, अगली बॉल से हवा में गेंद कामरान बॉल के नीचे, केवल एक रन मिलेगा लॉन्ग ऑफ पे। और अब लास्ट बॉल फेस करना है पीयूष भाई, बहुत तगड़े बल्लेबाज। लास्ट बॉल और यह हवा में गेंद पंडित बॉल के नीचे, पहुंच नहीं पाए बॉल तक, देखना होगा दो रन मिलेंगे यहाँ पे। दो रन पूरे आसानी के साथ, एक ओवर ओवर की समाप्ति, नौ रन पहले ओवर की समाप्ति पर, नौ रन बिना किसी विकेट के। और ये देखिए बड़कोट की आन बान शान विनय असवाल ग्राउंड में मौजूद, समझाते हुए यहाँ पे सचिन मलिक। और अब बॉलिंग करने आए हैं लिली, अच्छे ऑलराउंडर है, मार दिया लेग साइड में और सीधा चार रनों के लिए। अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे अंकित, काफी खराब बॉल कहूंगा मैं लिली की। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल लेफ्ट किया उसे अंकित ने, अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट ऑफ साइड का, चार रन मिलेंगे, तगड़ी शॉट। काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पे लिली की, बहुत छोटी छोटी बॉलें कर रहे हैं। अगली बॉल फिर से लिली की, डॉट बॉल अगली बॉल और यह हवा में बॉल, कामरान बॉल के नीचे जाते हुए बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया भाई, उल्टे भाग रहे थे बॉल के पीछे और बहुत सेफ हैंड, बहुत अच्छा कैच पकड़ाया कामरान ने। बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए बट फील्डिंग में दिखाते हुए अपना जौहर कामरान पनियाला, पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे आर्यन 11 को। और अब बैटिंग करने आए हैं परचंडा मोंडो भाई रुड़की वाले। लिली की अगली बॉल फेस करेंगे पीयूष भाई, और अच्छा लेफ्ट किया उसे, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद राइट 11 का स्कोर 17 रन, दो ओवर 17 रन एक विकेट अंकित मुजफ्फरनगर के रूप में लगता हुआ। और अब बैटिंग पे आए मोंटो भाई, तीसरा ओवर लेके और अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर अरशद भाई। और ये मिस फील्ड हुई यहाँ पे पंची से और ये दो रन चुरा लिए। अगली बॉल अरशद भाई की और फिर से दो रन चुराने की कोशिश, बहुत अच्छी फील्डिंग विनय की। और अरशद भाई वर्सेस पीयूष भाई दोनों और फिर से मिस फील्ड यहाँ पे पंची के द्वारा, और फ्लाइट मारने की कोशिश करेंगे यहाँ पीयूष भाई, कुछ जाने दिया उसे, अच्छी बॉल कटर मारा था अरशद भाई ने। अगली बॉल
अगेन लेफ्ट कर दिया यहाँ पे, बहुत अच्छी बॉलिंग अरशद भाई की, दोनों ही बल्लेबाज और बैट्समैन, जो बॉलर और बैट्समैन है बहुत ही पुराने, काफी टाइम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, एक देहरादून के लिए एक रुड़की के लिए। और फिर से बहुत अच्छा शॉट मारा, हवा में गेंद, देखना होगा, बहुत तगड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, चारों दिशाओं में हिट मारने के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे पीयूष भाई, तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए। और चौथा ओवर लेकर आर एन 11 के कप्तान राहुल वर्मा और पुप्पे भाई, सामने मोंटू प्रचंडा, बहुत अच्छा शॉट, देखना होगा, 4 रन पहली बॉल पर चौका मारते हुए यहाँ पे मोंटू भाई, यॉर्कर मारने की कोशिश की थी और उसे सामने खेल दिया सीधे, 4 रन। अगली बॉल फिर से बहुत अच्छी बॉल, बहुत तेज बॉल डॉट की यहाँ पे, अगली बॉल और ये बहुत अच्छी शॉट लिली बॉल के नीचे, बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया यहाँ पे लिली ने, परचंडे का बहुत बड़ा विकेट, हुक मारना चाहते थे और बैट और बॉल का अच्छा कनेक्शन नहीं, और सफलता मिलती भी यहाँ पे पुप्पे भाई को, दूसरी सफलता मिला दिलाते हो अपनी टीम को। अच्छी फील्डिंग की यहाँ पे, अच्छा कैच पकड़ा लिली ने भागते हुए, और पीयूष भाई वर्सेस राहुल वर्मा पुप्पा, बहुत अच्छी बॉल, बहुत सोच समझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक पीयूष भाई, अगली बॉल बहुत तेज बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बहुत सूझबूझ भरी बल्ले बल्लेबाजी और बॉलिंग होती हुई, अगली बॉल फिर से ऑफ कटर मारा था, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे लेफ्टी को, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी पुप्पे भाई की, एक चौका खाने के बाद विकेट ले लिया था, 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, और स्वागत यहाँ पर हमारे, आपस में सोचते हुए डिसीजन लेते हुए सचिन मलिक और राहुल पुप्पा, क्या करना है आगे, और अब अगला ओवर लेके विनय अस्वाल, बहुत तेज गति के गेंदबाज है, रवाई घाटी पड़कोट एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं विनय अस्वाल, और विनय 5 ओवर लेके, पावर प्ले खुल चुका है, बैटिंग करेंगे हिमांशु, बहुत तेज बॉल डॉट बॉल, अगली बॉल विनय की, और 4 रन, और अच्छा शॉट हिमांशु भाई का, अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट स्ट्रेट में, वहां पे पंडित मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा, और आमना सामना पीयूष भाई वर्सेस विनय, इससे पहले जब इनकी बैटल हुई थी तो पीयूष भाई जीते थे, देखते हैं विनय, बहुत तगड़ी बॉल, सम्मान दिया उसे 1 रन के लिए, अच्छी बैटिंग करते हुए अभी तक पीयूष भाई, अगली बॉल विनय, लिली बॉल के नीचे, बहुत सेफ हैंड है इनके, केवल 1 रन मिलेगा, विनय वर्सेस पीयूष भाई, बहुत तगड़ा विकेट, और इस बैटल को जीत चुके हैं यहाँ पे विनय अस्वाल, बहुत तगड़ा स्लोअर मारना सीखा है इन्होंने, लेफ्टी को कटर मारते हैं, और आज वही एक्सपेरिमेंट किया, और पीयूष भाई का बहुत बड़ा विकेट अपने खाते में, बहुत सीनियर वर्सेस जूनियर की बैटल थी, और इसे जीता इस बार जूनियर प्लेयर विनय अस्वाल, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे रितिका एसोसिएशन, रितिका प्रॉपर्टीज को, और अब बैटिंग करने आए हैं टिंकू लेफ्टी मुजफ्फरनगर, और अब बॉलिंग करने आए हैं कामरान पनियाला, बहुत तगड़े राइटी बॉलर हैं, कामरान पहली बॉल लेके बैटिंग पे हिमांशु भाई, बहुत तेज बॉल, समझ नहीं पाई से हिमांशु भाई, अगली बॉल लेके कामरान,
और कट किया से गली में पेड़ पे लग के कीपर के हाथ में आ गई। ये वाला एक रन मिलेगा यहाँ पे। अब बैटिंग करने आए टिंकू मुजफ्फरनगर। एक और घोषणा यहाँ पर हमें सिंह रावत द्वारा, यदि कामदार इस ओवर में विकेट लेते हैं तो उनके लिए भी 100 रुपए के नाम लगता है। पूरी खद्दी लेके आए हैं उमेश सिंह रावत। और काफी बहार और ये वाइड बॉल कामरान की। लेकर एक बार फिर अगली बॉल आउट और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे टिंकू के रूप में। बहुत बड़ी अपील और उसे करार दिया एम्पायर ने। टिंकू इसे खुश नहीं है इस डिसीजन से, बट आवाज आई थी। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे टिंकू के रूप में। और इस मैच में अभी तक फेवरेट शुरू से थी और अभी भी चल रही है RN 11। बहुत तगड़ी बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप, बहुत तगड़ी टीम, बहुत बड़े बड़े नाम इस टीम में। और अब बैटिंग करने आ रहे हैं सीबो और सॉरी बैटिंग करने आए हैं जय सिंह, हरिद्वार का बहुत बड़ा नाम लेफ्टी बैट्समैन कामरान। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक कामरान एक विकेट ले चुके हैं, इनाम भी मिला था उनको अभी तक। अगली बॉल संभल कर खेलना पड़ेगा दोनों ही बैट्समैनों को। और ये वाइड बॉल एम्पायर एक बार फिर जय सिंह को। अगली बॉल कामरान वर्सेस जय सिंह, लेफ्ट कर दिया उसे और अगेन वाइड बॉल एम्पायर सामना करेंगे जय सिंह। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल वाइड यॉर्कर मारा था संस्कार बॉल के नीचे जाते हुए, केवल एक रन मिलेगा। कामरान की अगली गेंद, अगली बार फिर सामना करेंगे हिमांशु चौधरी बैटिंग पे। हिमांशु और ये हवा में गेंद देखना होगा लिली बॉल के नीचे और बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया यहाँ पे लिली ने। बहुत तगड़ा कैच पकड़ लिया फिर से लिली, बहुत तगड़े फील्डर। एक और विकेट लेते हुए कामरान ने 2 सफलताएं ले ली इस ओवर में और एक और इनाम की धनराशि पक्की होती हुई इनकी। और अब बैटिंग करने आते हुए आशु बड़ौत, बहुत बड़ा नाम बड़ौत का यूपी का, जिस तरीके के बल्लेबाज पंडित यूपी है उसी तरीके के बल्लेबाज हैं भी, काफी बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। लास्ट बॉल कामरान की ओवर की संभल कर खेला इसे और ये नो बॉल फ्री हिट मिलती भी इसी के साथ, पैर की नो बॉल कर दी है कामरान ने और फ्री हिट है। देखते हैं कामरान वर्सेस आशु बड़ौत क्या बड़ा हिट लग पाएगा। बहुत तगड़ी बॉल अगेन नो बॉल, पैर की अगेन नो बॉल। अगली बॉल अगेन फ्री हिट है, फिर से मारना चाहते थे, स्लोअर बॉल थी, कोई संपर्क नहीं बैटर बॉल का और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और 6 ओवर 46 रन हो रहे हैं। अगला ओवर लेकर आए हैं पुप्पे भाई। 5 विकेट के पतन पे काफी मुश्किलों में बैटिंग पे जय सिंह, जैसे पुप्पे भाई वर्सेस जय सिंह स्लोअर मारा था ऑफ कटर, समझ नहीं पाया उसे जय सिंह। अपने बॉलिंग मार्क पर सामने फिर एक बार जय सिंह, अगली बॉल वाइड बॉल समझे बाहर एक बार फिर और उठाने का प्रयास और बहुत घुमाई थी ये बॉल इसलिए वाइड हो गई। राहुल अगली बॉल को हवा में गेंद और ये 4 रन शानदार 4 रन हो गए लेग साइड के, आलोक बॉल के नीचे थे पर पहुंच नहीं पाए, पहला चौका निकलता हुआ जय सिंह के बल्ले से। अगली बॉल डॉट बॉल संपर्क नहीं हो पाया अच्छा बैटर बॉल का। अगली बॉल बहुत तेज बॉल
विकेट के ऊपर से थी इसलिए वाइड करा नहीं दिया एम्पायर ने। डॉट बॉल, अगली बॉल, और यह हवा में गेंद शैलेश जोशी और आलोक बॉल के नीचे। बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया यहाँ पे शैलेश जोशी उर्फ मौत ने। तगड़े फील्डर है, तगड़े बैट्समैन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। और ये देखिए आपस में बातचीत करते हुए यहाँ पे सचिन मलिक, कामरान पंछी और अर्शद भाई। एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पे पप्पा भाई को। और ये भी अच्छा बैटल आशु बड़ौत वर्सेस राहुल वर्मा पप्पे भाई, वो दोनों ही बहुत बड़े नाम मारना चाहते। लेग साइड में देखना होगा और पेड़ से टकरा कर रुक गई ये बॉल, केवल एक ही रन लिया यहाँ पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। सात ओवर 53 रन और 6 विकेट आउट हो चुके हैं। और अब बॉलिंग करने आए हैं पंछी किंग, बैटिंग करेंगे आशु बड़ौत। बहुत अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग कामरान की, तगड़ी फील्डिंग करी यहाँ पे। सिंगल डबल में ज़्यादा विश्वास नहीं करते आशु बड़ौत, देखते हैं कितने हिट लगा पाते हैं बड़े बड़े आशु। मारना चाहते थे उसे पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं आशु बड़ौत का, काफी नाराज खुद से। अगली बॉल डायरेक्ट बॉल, उसको भी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब बैटिंग करने आए कीजर। बहुत तगड़ी बॉल, अगली बॉल पंजी, बहुत अच्छा स्लोअर मारा था, समझ नहीं पाया उसे कीजर। केवल एक रन मिलेगा स्ट्राइक में, फिर से आशु बड़ौत। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट, देखना होगा स्लोअर मारा था। 6 रन, बहुत अच्छा छक्का, बहुत अच्छा शॉट, पहला छक्का निकलता हुआ आशु बड़ौत के बल्ले से। अकेले एक बल्लेबाज है जो इस मैच में कुछ कर सकते हैं, जीत की तरफ ले जा सकते हैं रिधिका प्रॉपर्टीज को। और अगला ओवर कामरान, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे आलोक की और रन आउट का मौका, लेकिन पहुंच गए उतने में गीजर। बहुत तगड़ी फील्डिंग करी थी आलोक यादव ने, डोई वाला का बहुत बड़ा नाम। अगली बॉल फिर से मारना चाहते थे लेग साइड में, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से आशु बड़ौत। अगली बॉल कामरान वर्सेस गीजर, बहुत अच्छा बॉल, वन बाउंस करार दिया है एम्पायर ने। अगली बॉल कामरान की एक बार फिर से, बहुत अच्छा स्लोअर संस्कार बॉल के नीचे आते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे रन लेने की आशु बड़ौत, ज़्यादा ज़्यादा अपने पे स्ट्राइक रखना चाहते हैं। देखते हैं कितने रन बना पाते हैं यहाँ से आशु बड़ौत अपनी टीम के लिए, बहुत बड़ा नाम है बड़ौत का। और ये वाइड बॉल करार दी। अगली बॉल, बहुत तगड़ा शॉट है भाई, बहुत बहुत दूर आशु बड़ौत, जैसा नाम वैसा काम, जैसा छक्का पंडित ने मारा था वैसा ही लंबा छक्का, ऊंचा छक्का आशु बड़ौत के बल्ले से निकलता हुआ। अगली बॉल फिर से स्लोअर थी, मारना चाहते थे। और स्कोर जा पहुंचा, और ये 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 72 रन पंछी बॉलिंग पे। डायरेक्ट बॉल थी, मारना चाहते थे उसे लिली बॉल के नीचे, बहुत अच्छी फील्डिंग। दूसरा रन लेने की कोशिश थी बट कीजर ने ध्यान नहीं दिया तो दूसरा रन नहीं ले पाए।
अगली बॉल और ये हवा में गेंद भाई बॉल के नीचे और गेंद जा रही है और ये तीसरा रन लेने की कोशिश और पूरा कर लिया है यहाँ पे। तीन रन थे इस बॉल पे। अगली बॉल फिर से पंछी की बैटिंग पास उड़ा होता बहुत तेज बॉल शोल्डर पे जाके लगी डॉट बॉल और फिर से हवा में गेंद कामरान बॉल के नीचे बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया कामरान ने। बहुत सेफ हैंड है इनके बहुत बड़ा झटका लगता हुआ आशु बड़ौत के रूप में और इसी के साथ यहाँ पे बैटिंग लाइनअप ख़त्म होती भी रितिका प्रॉपर्टीज़ की टैलेंटरों का आना बाकी और हंसते हुए यहाँ पे आरएन 11 के प्लेयर्स फील्डर्स और अब बैटिंग करने आए हुए सचिन तांबा बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं ये भी और बहुत खराब गेंद थी ये पंछी की देखना होगा कितने रन मिलते हैं एक्स्ट्रा के। दो रन मिलेंगे केवल और एक्स्ट्रा के वाइड के जोड़ के तीन रन। अगली बॉल वाइड यॉर्कर करते हुए यहाँ पे पंछी पंडित बॉल के नीचे अच्छी फील्डिंग वहाँ पे पंडित की। अगली बॉल और तांबा मारना चाहते थे कवर्स पे केवल एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। ओवर की समाप्ति करेंगे तांबा और अब बॉलिंग करने आए फिर से विनय बैटिंग पे सचिन तांबा बहुत अच्छी शॉट और लिली बॉल के नीचे थे कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने लेग साइड में। अगली बॉल यॉर्कर था अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट तांबे का संस्कार बॉल के नीचे और एक और कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पे दो बॉलों पर दो जीवन दान मिल गए यहाँ पे तांबे को। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल डॉट बॉल भी नहीं की। अगली बॉल और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे अच्छा कैच सचिन मलिक ने की ब्रिंग पे और अब बैटिंग करने आए शिब्बू बहुत तगड़ा स्लोवर और बहुत अच्छा ओवर ख़त्म किया विनय ने। अगला ओवर लेके संस्कार और ये हवा में गेंद देखना होगा क्या होता है बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे ऑफ साइड में अरशद भाई की एक ही रन मिलेगा केवल। और गाइस ये मैच पूरी तरीके से आर्यन 11 जीत चुकी है और इस मैच में अब धीरे धीरे मजाक होता हुआ तो आज की वीडियो इस मैच की यहीं ख़त्म करते हुए आपको कुछ और दिखाऊंगा मैच के बाद क्या क्या हुआ है तो आप अभी भी बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा चौका यहाँ पे तांबे का इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच है पंडित यूपी पंडित जिन्होंने 22 बॉल पर 56 रन मारे थे इस मैच में बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करी थी पंडित द्वारा पंडित जो कि 24 बॉल में 52 रन के शानदार बल्लेबाजी के दम पर और कामरान विक्रम खान 200 रुपए उमर सिंह रावत भाई को अलग से 200 रुपए दिए जा रहे हैं शानदार दो विकेट और विनय 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 भी है विनय और विनय को भी यहां पे प्राइज दिया जा रहा है 100 रुपए विनय के खाते में और सारे प्लेयर्स को और ये पंडित को अलग से एक और इस कॉर्नर में कुछ उम्मीद बिठाए बैठा है यहाँ पर और पैसे भी भरमार यहाँ पर सारा कुछ ख्याल करे तो उसे भी 500 रुपए अरे भाई और ये इतने वीडियो वाला नितिन हमारा प्लेयर है नितिन वीडियो मास्टर का 500 रुपए का इनाम यहाँ पर नरेश राणा द्वारा।